है भाव के भूखे भगवन, ये वेद बताते हैं। जब भक्त पुकारे प्रेम से प्रभु दौड़े, प्रभु दौड़े आते हैं। कोई भावना से ज्योति को जगा के देख ले, बोलती है मूर्ति बुला के देख ले। ये बोले कौन सी भाषा में, हमें ज्ञान भी तो हो। सुनने को बातें इनकी अपने कान भी तो हो। संत मुनि मिल करके हमको राह दिखाते हैं। जब भक्त पुकारे प्रेम से प्रभु दौड़े आते हैं, प्रभु आते हैं। भिलनी के बेरों की खातिर फिर भटक रहे श्री राम। खाली गाइए नहीं, महसूस करिए। भिलनी के बेरों की खातिर फिर भटक रहे श्री राम। भक्त सुदामा के तंदुल फिर खोज रहे घनश्याम। भिलनी के बेरों, मैं बार बार कहूंगा, जब भक्ति प्रबल होती है ना तो शबरी के घर राम आते हैं। शबरी को राम के दरवाजे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं पड़ती। जब भक्ति प्रबल होती है ना तो विद्रोही के घर कृष्ण आते हैं। विद्रोही को जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लॉजिक समझने की कोशिश करिएगा, और बार बार कह के जाऊंगा, समझा के जाऊंगा इस बात को। भिलनी के बेरों की खातिर फिर भटक रहे श्री राम। भक्त सुदामा के तंदुल फिर खोज रहे घनश्याम। भक्तों से मिलने का है रहता प्रभु को भारी चाव। जब भक्त पुकारे प्रेम से प्रभु आते नंगे पांव। प्रभु अपने भोले भक्तों का सम्मान बढ़ाते हैं, सम्मान बढ़ाते हैं। मेरे किसी मित्र के घर बेटी का संबंध तय हुआ। वो मित्र बेटी का संबंध तय करके जब घर लौटा तो पत्नी ने पूछ लिया, रिश्ता पक्का कराए हो इतने बड़े घर में, खर्चा सोचा कितना होगा, घर में कुछ नहीं है। उस प्रेमी ने कह दिया, मुझे चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। और वो कहते थे, मैं बैठता था ठाकुर के पास, सुबह पत्नी कहती थी बाजार जाना है, ये सामान लाना है, इतने पैसे चाहिए। बोले, ना जाने कहां से आते थे, मुझे पता भी नहीं चला। मैं उठा करके उतने पैसे देता था जितना पत्नी मांगती थी, मुझे पता भी नहीं चला। मेरे ठाकुर ने बेटी का ब्याह निपटा दिया। ये झूठी कहानियां नहीं है कोई। मैं ये नहीं कहूंगा रात को ठेला लगाता था सुबेरे फैक्ट्री का मालिक हो गया। जो सच है कि भक्ता के कारज आप खलोया, हर कम बनावन आया राम। अपने भक्तों की खातिर स्वयं खड़े होते हैं। नरसी के घर श्राद्ध था, और वो श्राद्ध गांव के बड़े पुजारी ने धोखे से रख दिया था नरसी के घर कि नरसी की बेइज्जती होगी। नरसी के बड़े भाई ने पिता का श्राद्ध करने से मना कर दिया था, तो श्राद्ध रख दिया गया नरसी के घर। घर में खाने को दाना नहीं। नरसी ने कहा, भगवान चिंता मत कर, बाजार से उधार ले आऊंगा।
श्राद्ध तो करना ही है, अच्छे तरीके से करेंगे। नरसी निकले घर से, जिसके घर दुकान पे जाते, भाई घी दे दे, आटा दे दे, चीनी दे दे, कोई भी उधार देने को तैयार नहीं हुआ। गांव का दूसरा छोर आ गया, अंतिम छोर पर एक दुकान थी, नरसी वहां पहुंचे, उस दुकानदार से भी यही बात कही कि ये सामान दे दो, श्राद्ध करना है, उधार दे दो, चुका दूंगा। उस दुकानदार के घी के टीन में रात में चूहा मर गया था, उसने भी नरसी का उपहास उड़ाते हुए कहा कि भाई उधार चुकाने की बात तो बाद में है, इस वक्त क्या देगा। नरसी ने कहा मैं तो भजन गाता हूं, मेरे पास कुछ है नहीं, भजन सुन लो, भजन सुन लो। उस दुकानदार ने उपहास उड़ाने की नीयत से कह दिया सुनो, और नरसी भजन में ऐसे डूबे ऐसे डूबे ऐसे डूबे। इधर नरसी भजन गा रहे हैं, उधर ब्राह्मण जीमने के लिए बैठ गए हैं, असली नरसी भजन गा रहे हैं, और वहां दूसरा नरसी ब्राह्मणों को भोजन जिमा रहा है। ब्राह्मण जीम जूठ करके चल दिए, खूब अच्छी दक्षिणा दी उस नरसी ने। नरसी रसद की बोरियां लाद करके जब घर पहुंचे और कहा भाग्यवान ये बोरियां उतरवा ले, ये टीन उतरवा ले घी का, तो नरसी की पत्नी ने कहा अब क्या करेंगे, इतना ही काफी था, उसमें ही बच गया जो पहले से मंगा रखा था आपने, और आपने सबको जिमा दिया, आप तो सब जा चुके हैं, अब सब जा चुके हैं, आपने सबको जिमाया है, अब आप भी जीम लो थोड़ा सा। नरसी की आंखों में आंसू आ गए, मैं तो भजन गा रहा था, मेरे पीछे ब्राह्मणों को जीम जूठ कौन करवा के चला गया। ये भाव है भक्तों के, इसलिए कहता हूं भिलनी के बेरों की खातिर फिर भटक रहे श्री राम, भक्त सुदामा के तंदुल फिर खोज रहे घनश्याम, भक्तों से मिलने का है रहता प्रभु को भारी चाव, जब भक्त पुकारे प्रेम से प्रभु आते नंगे पांव। गाइएगा कि प्रभु अपने भोले भक्तों का सम्मान बढ़ाते हैं, सम्मान बढ़ाते हैं, जब भक्त पुकारे प्रेम से प्रभु दौड़े आते हैं, प्रभु दौड़े आते हैं। कथा प्रारंभ होती है जूनागढ़ गुजरात से, नरसी अपने जमाने के अरबपति सेठ, संतान के नाम पर एक बेटी बची नानी बाई, एक बेटा भी था उसका देहांत हो चुका था, एक बेटी बची नानी बाई। एक बार नरसी की पत्नी ने नरसी से कह दिया कि अगर हमारा बेटा भी होता तो बेटी के ब्याह के बाद सारी संपत्ति का मालिक होता। नरसी ने कहा बावली घबराती क्यों है, मेरा एक बेटा है। पत्नी चौंक पड़ी, पत्नी चौंक पड़ी। नरसी ने कहा घबरा मत, कोई दूसरा नहीं रे, अरे वो मुरली वाला मेरे बेटे के जैसा ही है। ठाकुर से एक रिश्ता जोड़ा, जिस रिश्ते को नरसी ने जितनी ईमानदारी से जोड़ा, मेरे मुरली वाले ने उससे भी अधिक ईमानदारी से उसे निभाने का प्रयत्न किया। कहते हैं नरसी ने जब अपनी इकलौती बेटी नानी का ब्याह किया, उसी दिन निश्चय किया कि बेटी के ब्याह के बाद अब मेरी सारी संपत्ति का वारिस मेरा बेटा मुरली वाला है,
और नरसी ने पूरी ईमानदारी के साथ अपनी दौलत की एक एक पाई मुरली वाले के नाम से दीन दुखियों, गरीब और जरूरतमंदों में बांट दी। सब कुछ दान कर दिया ठाकुर के नाम पर, खाने के लिए दो वक्त की रोटी भी नहीं बची। एक वक्त ऐसा आया कि वचनों के अधीन नरसी ने अपनी हवेली भी दान कर दी। पत्नी का देहांत हो गया, नरसी गांव में बने शिव मंदिर में प्रभु का कीर्तन भजन सुमिरन करने लगे। भक्तों की एक टोली बनाई, पूरे दिन ठाकुर का भजन कीर्तन करते, जो कोई कुछ श्रद्धा से देता खा करके गुजारा कर लेते। समय बीतने लगा। एक दिन उसी गांव जूनागढ़ में एक दूसरे गांव से भक्तों की टोली आई, जो द्वारिकाधीश के दर्शनों को द्वारिका जी जा रही थी। उस दूसरे गांव की टोली के मुखिया ने जूनागढ़ में आकर लोगों से पूछा, भाई आपके गांव का सबसे बड़ा सेठ कौन है? जूनागढ़ के ग्रामवासियों ने पूछा, बात क्या है, क्या काम है तुमको? टोली के मुखिया ने कहा, हम द्वारिकाधीश के दर्शनों को द्वारिका जी जा रहे हैं, हमारे पास 600 सोने के सिक्के हैं, रस्ते में चोर डाकुओं का डर है, हम चाहते हैं कोई सेठ हमसे ये रकम ले ले और हमें एक हुंडी लिख दे जिससे हमको ये रकम द्वारिका जी में वापस मिल जाए। गांव वालों ने नरसी का उपहास उड़ाने के लिए कह दिया, हमारे गांव का सबसे बड़ा सेठ नरसी है, जाओ उसकी हुंडी चलती है, हुंडी लिखने से इनकार करे जबरदस्ती पैसे देना, हुंडी लिखवा लेना। भगत पहुंचे नरसी के पास, नरसी को 4 दिनों से गांव में भोजन नहीं मिला था। अपने साथियों के साथ भजन कीर्तन में लीन नरसी, टोली के मुखिया ने हाथ जोड़ के पूछा, भाई आप लोगों में नरसी सेठ कौन है? नरसी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहने लगे, सेठ नहीं रहा, नरसी जरूर हूं, आदेश करो। भक्तों ने कहा, सेठ हम द्वारिकाधीश के दर्शनों को द्वारिका जी जा रहे हैं, हमारे पास 600 सोने के सिक्के हैं, आप इन्हें रख लो, हमें एक हुंडी लिख दो जिससे हमें ये रकम द्वारिका जी में जाकर वापस मिल जाए। नरसी ने कहा, मेरी हुंडी नहीं चलती, मेरा व्यापार समाप्त हो चुका है, मैं हुंडी नहीं लिख सकता। भक्तों ने कहा, सेठ बहाने मत करो, हुंडी लिखनी पड़ेगी, मदद करनी पड़ेगी। जबरन वो रकम नरसी के हाथ में रख दी गई। नरसी ने सोचा कि शायद उस मोर मुकुट बंसी वाले को हम भूखे भक्तों पर दया आ गई है, ये रकम हमारे भोजन भंडारे के लिए ठाकुर ने भिजवाई है। जबरदस्ती दी हुई वो रकम नरसी ने रख ली और एक हुंडी ठाकुर के नाम लिख दी और कहा, जाओ द्वारिका के सबसे बड़े सेठ द्वारिकाधीश से ये पैसे, ये असरफियां वापस मांग लेना। भगत पहुंचे द्वारिका जी, सुबह से शाम हो गई बाजारों में घूमते, कोई द्वारिकाधीश नाम का सेठ मिला ही नहीं जो हुंडी शिकार के रकम वापस करता। भक्तों ने सोचा, हम ठगे गए, रकम चली गई, चलो जिस काज आए हैं वो काज कर लें, ठाकुर के दर्शन कर लें, वापस लौटते समय रस्ते में नरसी से रकम का हिसाब भी कर लेंगे। सुनना, शाम का समय है, भगत मंदिर के प्रांगण में ठाकुर के दर्शन कर रहे हैं, अचानक एक सांवरा सलोना युवक मंदिर में प्रवेश करता है, एक एक करके लोगों से पूछता है, भाई 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 आप में से कौन से भगत जूनागढ़ से आए हैं जो मेरे सेठ नरसी की हुंडी लाए हैं? उस सांवरे सलोने युवक की बात सुनकर भक्तों की जान में जान आई, जेब से हुंडी का पर्चा निकाल सौंपा और सांवरे ने उतनी रकम निकाली, गिन करके भक्तों के हाथ में रख दी और कहा,
जाकर के उस नरसी से कह देना ऐसी हुंडियां रोज लिखा करे, मैं यहां बैठ करके स्वीकारने को तैयार हूं। ऐसी हुंडियां रोज लिखा ऐसी हुंडियां रोज लिखे, मैं स्वीकारने को तैयार हूं। प्रभु अपने भोले भक्तों का सम्मान बढ़ाते हैं जब भक्त पुकारे प्रेम से प्रभु को। उसी नरसी की बेटी नानी बाई, नानी बाई के ससुराल में नानी बाई की बेटी सुलक्षणा का ब्याह। नानी के ससुराल वालों ने कहा, री नानी तेरा बाप भिखारी है, तेरा भाई भी नहीं है, तेरा भात कौन लाएगा, हम तेरे मायके वालों को शादी का निमंत्रण ही नहीं भेजेंगे, तेरा भिखारी बाप हमारी नाक कटाने यहां आएगा। नानी ने रोकर के ससुराल वालों के पांव पकड़े कि मेरे गरीब बाप के पास शादी का निमंत्रण भेजो, जो कुछ भी बन पड़ेगा बाबा लाएगा। नानी ने जब रो करके ससुराल वालों के पांव पकड़े, ससुराल वालों ने चाल चली कि नरसी के पास निमंत्रण भेज दो, भात के सामान की लिस्ट लंबी कर दो। गरीब नरसी पढ़ करके आने का साहस ना कर सके, चिट्ठी पहुंची है नरसी के पास, मनुहार पत्रिका मिली नरसी को, नरसी ने खोल करके भी नहीं देखी। इस उम्मीद में कि मैं गरीब बाप, मैं तो बेटी के घर बिना बुलाए भी चला जाऊंगा, लेकिन मेरी बेटी का भात तो मोर मुकुट बंसी वाले ने भरना है, इस निमंत्रण पत्र की जरूरत तो उसको है। नरसी ने वो मनुहार पत्रिका, वो निमंत्रण पत्र द्वारिकाधीश के चरणों में द्वारिका जी भिजवा दिया कि तू जाने तेरा काम। एक गरीब बाप टूटी बैलगाड़ी पे बैठ के, गाने बजाने वालों की टोली के साथ, बूढ़े बीमार बैलों को लेकर खाली हाथ बेटी के दरवाजे आया है। बाबा के आने की बात सुन के नानी चाव से दौड़ी दौड़ी बाहर आई कि बाबा आए हैं। वर्षों बाद मुलाकात है बाबा से, नानी चाव से दौड़ी आई है, भात का सामान नजर नहीं आया। नानी ने प्रश्न किया, बाबा मेरे सम्मान का ख्याल नहीं किया, मेरे भात का सामान कहाँ है। नरसी ने कहा, बेटी मेरा उपहास उड़ाती हो, तुझे तो मालूम है मेरे पास कुछ नहीं है। तो नानी ने कह दिया, जब कुछ नहीं था तो आए ही क्यों, जब कुछ नहीं था तो क्यों आए मेरा उपहास उड़ाने के लिए। नरसी ने कहा, बेटी अब तू इतनी बड़ी हो गई कि अगर पिता गरीब हो जाए तो क्या बेटी से मिलने का अधिकार भी खो बैठता है, कि अगर पिता गरीब हो तो क्या बेटी से मिलने का अधिकार भी खो बैठता है। नानी ने कहा, नहीं बाबा, मेरे कहने का मतलब यह था कि बड़ी मुश्किल से निमंत्रण भिजवाया था, आपने समाज छोड़ दिया है, लेकिन मैं तो समाज में रहती हूं। नरसी ने कहा, बेटी घबरा मत, मुझे यकीन है तेरा भात भरने मेरा मोर मुकुट बंसी वाला आएगा। नानी रो रही है, नरसी दिलासा दे रहे हैं कि चिंता मत कर, वो आएगा, वो जरूर आएगा। ये भरोसा नरसी का है, ये विश्वास नरसी का है। आओ समर्पित कर रहा हूं नानी बाई का मायरा। बोर तो नहीं हो रहे, सुन के जाना, थोड़ी देर समय लूंगा। आओ, हो नानी समझावे बार बार, हो नानी बाई ने नरसी समझावे बार बार।
चल भी रो लासी मायरो हो भाई तेरो सावल भी रो लासी मायरो हो बेटी तेरो सावल भी रो लासी मायरो हो भाई तेरो सावल भी रो लासी मायरो क्यों छोड़े बेटी क्यों घबरावे धीरज क्यों छोड़े बेटी क्यों घबरावे राख भरोसो तेरो सावल शाह आवे राख भरोसो तेरो सावल सा आवे री बेटी क्यों कर राखी जिवड़े ने तू उदास बेटी क्यों कर राखी जिवड़े ने तू उदास सावल वीरो लासी मायरो हो भाई तेरो सावल वीरो लासी मायरो एक बार नरसी के विश्वास के लिए हाथ नीचे रखिए लेकिन ताली बजाइए क्या बात ये भरोसा नरसी का है ये विश्वास नरसी का है मैंने कहा ना अगर भरोसा नहीं तो हमारी भक्ति अधूरी है भरोसा ही भगवान है नरसी ने कहा बेटी घबरा मत अकेला नहीं आएगा मुझे विश्वास है तेरी भौजाई भामा रुक्मणी भी आसी तेरी भौजाई भामा रुक्मणी भी आसी जो कुछ लिखवाई चीजा सगली वो लासी जो कुछ लिखवाई चीजा सगली वो लासी हो मैंने समधी की चिट्ठी भेजी सांवरिये के पास मैंने समधी की चिट्ठी भेजी सांवरिये के पास मैंने सगा की चिट्ठी भेजी सांवरिये के पास सांवर वीरो लासी मायरो ओ भाई तेरो सांवर वीरो लासी मायरो के भूखे भगवन है भाव के भूखे भगवन ये वेद बताते हैं ये वेद बताते हैं जब भक्त पुकारे प्रेम से प्रभु दौड़े आते हैं सांवरी यो है मारो सुख दुख को साथी सांवरी यो है मारो सुख दुख को साथी ये भी नरसी का भरोसा है अपनी बेटी से बोले बेटी घबरा मत मैं जब तेरे घर की तरफ आ रहा था तो रास्ते में एक घटना घटी मेरे साथ उस घटना ने मेरा विश्वास और पक्का किया कहते हैं नरसी जब टूटी बैलगाड़ी लेकर चले थे अंजार शहर के लिए बूढ़े बीमार बैल कब तक चलते टूटी बैलगाड़ी कब तक खींचती यात्रियों का बोझ सहा नहीं गया बूढ़े बीमार बैल भी गिर पड़े और बैलगाड़ी एक गड्ढे में फंस गई नरसी ये बात बता रहे हैं बेटी से कहते हैं नरसी की टूटी बैलगाड़ी जब रास्ते में फंस गई तो मेरा मोर मुकुट बंसी वाला वेश बदल कर गाड़ी के सामने आ खड़ा हुआ तीन लोगों का मालिक
हाथ जोड़ के नरसी के सामने खड़ा है। कहते हैं तीन लोगों के मालिक ने अपने हाथों से नरसी की बैलगाड़ी बाहर निकाली और सीधे रास्ते पर डाल दी। और जब गाड़ी सीधे रास्ते पर पड़ गई तो मेरे मोर मुकुट बंसी वाले ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि भगत जी कहां जा रहे हो? अगर अंजार शहर जा रहे हो हमको भी बिठा लो, हमने भी किसी कार्यवश जाना है, हमने भी किसी ब्याह में जाना है। कल्पना करना वो कौन सी भक्ति रही होगी कि जिस भक्ति के अधीन ठाकुर हाथ जोड़ करके भगत के सामने खड़ा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का मान भले टल जाए भक्त का मान ना टलते देखा। गाड़ी वाले मने बिठा ले, गाड़ी वाले मने बिठा ले, जानो नगर अंजार बात मेरी मान ले, बात मेरी मान ले, बात मेरी मान ले। कल्पना करो निवेदन कर रहे हैं, गाड़ी वाले मने बिठा ले, जानो नगर अंजार बात मेरी मान ले, बात मेरी मान ले। नरसी का साथी सूर्या बोला, सूरदास था, आवाज सुनी किसी ने कहा बिठा लो, तो सूरदास ने क्या कहा? सूर्या बोला टूटी गाड़ी, सूर्या बोला टूटी गाड़ी, बूढ़े बैल बीमार, बात मेरी मान ले, बात मेरी मान ले। सूरदास ने तो कह दिया कि टूटी गाड़ी है, बैल बीमार है, आप जाओ। लेकिन नरसी का दूसरा साथी सेक्रेटरी कह लो ज्ञानदास, कहते हैं ज्ञानदास यूं कहने लग्या, म्हारे सागे के करसी, म्हारे सागे के करसी, म्हारे सागे के करसी, गाड़ी माही भीड़ घनी है, थारा तुम्बा कित धरसी, थारा तुम्बा कित धरसी, थारा तुम्बा कित धरसी, सरसी बापण सी तू क्या सरसी, इक तारा को तार बात मेरी मान ले, बात मेरी मान ले। ज्ञानदास ने कहा एक तारे के तार वार टूट जाएंगे, इतनी भीड़ है, जाओ कहीं रास्ता देखो। और तीन लोगों का मालिक हाथ जोड़ के खड़ा है, कल्पना करना इस दृश्य को, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपको कि कन्हैया क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई बिठा लो, बैलगाड़ी टूटी है, बैल बीमार है ना, बिठा, अगर बिठाओगे तो क्या करूंगा सुनो, मेरी बात अच्छी लगे कि ठाकुर क्या कह रहे हैं तो तालियां बजा के गाना। मेरा ठाकुर कह रहा है कारीगर सब कामा को, दुनिया में कोई ऐसा काम है जो मैं नहीं कर सकता, कारीगर सब कामा को कृष्णा म्हारो नाम है, कृष्णा मेरो नाम है, कृष्णा मेरो नाम है। और कितनी नम्रता है प्रभु में ये देख लेना, हम अभिमानी हैं लेकिन ठाकुर नहीं, कितनी नम्रता है देखिए कैसे झुक करके कह रहे हैं। कारीगर सब कामा को कृष्णा मेरो नाम है, कृष्णा मेरो नाम है, कृष्णा मेरो नाम है। अगली पंक्ति सुनिएगा, भक्ता की सेवा करनी या ही म्हारो काम है, या ही म्हारो काम है, या ही म्हारो काम है। बैला की बीमारी में तू, वर्धा की बीमारी में तू, गाड़ी देऊं सुधार बात मेरी मान ले, बात मेरी मान।
ज्ञानदास ने ज्ञान दिया। नरसी से कहने लगे कि नरसी, ओए नरसी सुनो। ज्ञानदास यूं कहने लगे, किस यू गाड़ी ठीक करे, किस यू गाड़ी ठीक करे, किस यू गाड़ी ठीक करे। बेवकूफ बना रहा है, औजार है नहीं, देखने में मजदूर जैसा भी नहीं लगता, ये कुछ गड़बड़ है। ज्ञानदास यूं कहने लगे, किस यू गाड़ी ठीक करे, किस यू गाड़ी ठीक करे, किस यू गाड़ी ठीक करे। जुगत लगावे बैठन की, जुगत लगावे बैठन की, या कुछ कोनी आके करे, या कुछ कोनी आके करे, या कुछ कोनी आके करे। हे नरसी जी तुम गाड़ी हाको, नरसी जी थे गाड़ी हाको, मत ना करो उगार, बात मेरी मान ले, बात मेरी मान ले। इसके चक्कर में मत पड़ो, इससे बातचीत मत करो, फंसा लेगा बातों में, चलो आगे बढ़ो। नरसी जी गाड़ी हाँको। अब मेरे ठाकुर ने देखा कि बात बनी नहीं, गेरे हुए वस्त्र हैं, गाने बजाने का सामान है। ठाकुर ने फिर पासा फेंक दिया, सबसे बढ़िया चंदन लगाए हैं। तो ठाकुर समझ गए। अब मुरे मुरली वाले ने बहुत बड़ी बात कही, सुनना, केवल आप ही नहीं भजन सुनाते हो, वो भी सुनाता है आपको, सुनने वाले बनो। अब ठाकुर ने कह दिया, कृष्णा बोलो भगत थाने, मीठा भजन सुनावांगा, मीठा भजन सुनावांगा, मीठा भजन सुनावांगा। एक तो आपकी गाड़ी हाँकूंगा ठीक करने के बाद, गाड़ी ठीक करूंगा, शर्त है ठीक करने के बाद हाँकूंगा भी, और आपकी उदासी दूर करने के लिए, आपका मन लगाने के लिए भजन भी सुनाऊंगा रास्ते में, पूरे रास्ते भजन सुनाता चलूंगा। उसके बाद भी देखो क्या करूंगा, थे सगला आराम करो, यात्रा में थक जाओगे ना, भजन भी सुनाऊंगा मन लग जाएगा, और अगर थक जाओगे तो थे सगला आराम करो, पगला थारा दबावांगा, पगला थारा दबावांगा, पगला थारा दबावांगा। पांव दबाने को तैयार है, ऐसे ही नहीं कहा गया भक्तों के अधीन है, अपना बना के तो देखो, इतनी नम्रता है प्रभु में कि पांव भी दबाऊंगा तुम्हारे, और उसके बाद उसके बदले में क्या मांगूंगा, उसके बदले में क्या चाहूंगा, बड़ी छोटी सी बात कि रिश्तेदारी में जा रहे हो, जा रहे हो तो आवाभगत भी होगी आपकी, थारे सागे माने भी मिलसी, थारे सागे माने भी मिलसी, कुछ और नहीं, थारे सागे माने भी मिलसी, थारे सागे माने भी मिलसी। चोखी जी मणवार, बात मेरी मान, बात मेरी मान ले, बात मेरी मान ले। इतना सुनना था तो ज्ञानदास ने कुहनी मारी, इसे कैसे पता चला हम रिश्तेदारी में जा रहे हैं, जरूर दाल में काला है, पीछे से लगा हुआ है। नरसी जी ये समझ गया हम भात भरने जा रहे हैं, हमारे पास माल मत्ता है, इसे कैसे पता चला हम रिश्तेदारी में जा रहे हैं। अब ज्ञानदास ने ज्ञान दे दिया, फिर सुनना, मेरे ठाकुर को किस उपमा से नवाजा उन्होंने, देखिए जरा सुनिए ध्यान से। ज्ञानदास यूं कहने लगे,
यो तो कोई ठगेरो है, यो तो कोई ठगेरो है, ये तो कोई ठगेरो है। बाता माही भुला रहे हो, ये तो चालू छोरो है, यो तो चालू छोरो है, यो तो चालू छोरो है। सगलिया रहियो संभल संभल के, सगलिया रहियो संभल संभल के, सगलिया रहियो संभल संभल के, सगलिया रहियो संभल संभल के। करसी तुम बापार बात मेरी मान ले, बात मेरी मान ले, बात मेरी मान ले। अब मेरे ठाकुर ने देखा कुछ नहीं चला, मतलब की बात पे आ गए सीधे सीधे। कुछ ना बोलियो मैं सोचूं, ठीक है मत बताओ मत बिठाओ, आपकी मर्जी। मेरी बात अच्छी लगे कि ठाकुर ने इतनी बड़ी बात आखिरी बात कह दी। कृष्णा बोले मैं सोचूं, भात देखने ने चालांगा, भात देखने ने चालांगा, भात देखने ने चालांगा। जो कुछ बनसी पुण्य पावला, थाली माही घालांगा, थाली माही घालांगा, थाली माही घालांगा। कि जो कुछ बन पड़ेगा मैं भी रख दूंगा थाली में। अब सूरदास आंख से तो अंधा था लेकिन अकल का अंधा नहीं था। ज्ञानदास के पास ज्ञान तो था लेकिन असली ज्ञान नहीं था। जब सूरदास ने सुना कि कह रहे हैं कि थाली माही कुछ घालांगा, तो माथा ठनका, क्योंकि ठाकुर ने एक बात कही। कृष्णा बोले मैं सोचूं, भात देखने चालांगा, भात देखने चालांगा, भात देखने चालांगा। जो कुछ बनसी पुण्य पावला, थाली माही घालांगा, करूं थारी मनुहार। बात मेरी मान ले, बात मेरी मान ले। इतना सुन सूर्या बोला, पहले क्यों ना बात कही, पहले क्यों ना बात कही, पहले क्यों ना बात कही। मैं सब इतना बैठा हां, एक आदमी और सही, एक आदमी और सही, एक आदमी और सही। सूरदास ने नरसी जी के कान में कहा, नरसी जी अपन तो भिखारी है, कुछ है ही नहीं। ये कह रहा है कुछ देने के लिए, कुछ नहीं से अच्छा कुछ हो जाएगा, कम से कम बेटी के ससुराल में मुंह दिखाने लायक हो जाएंगे, बिठा लो। मैं सब इतना बैठा हूं, एक आदमी और सही, एक आदमी और सही, एक आदमी और सही। लेरिया लेरिया भाग्यो आसी, लेरिया लेरिया भाग्यो आसी। जावे गो यो हार, बात मेरी मान ले, बात मेरी मान ले। नरसी की टूटी गाड़ी भर माही ठीक करी, पल भर माही ठीक करी, पल भर माही ठीक करी। नरसी भजन सुना मन लाग्या, कृष्णा बोले हरी हरी, कृष्णा बोले हरी हरी, कृष्णा बोले हरी हरी। कभी नरसी जी भजन सुनाते ठाकुर सुनते, कभी कृष्णा भजन सुनावन लाग्या, नरसी बोले हरी हरी, नरसी बोले हरी हरी, नरसी बोले हरी हरी। बैलगाड़ी की स्पीड बढ़ गई, बैल जो मर रहे थे वो भी तगड़े हो गए। अब जब गाड़ी की चाल देखी ना नरसी ने, और हाकनिया मेरा सलोना बैठा है, और जिसकी गाड़ी सांवरा हाके मंजिल तक कैसे ना पहुंचे। कन्हैया गाड़ी हाँक रहे हैं,
नरसी जी ने पीठ थपेड़ी, नरसी जी ने पीठ थपेड़ी, रे रे जीत्या रह मुटियार, बात मान ले, बात मेरी मान ले, बात नरसी कहने लगे ले। गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, हो मेरो बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो राधे गोपाल मेरो है। जाके मस्तक मुकुट विराजे, जाके मस्तक मुकुट विराजे, कानन में कुंडल छवि छाजे, कानन में कुंडल छवि छाजे, चंदा सा मुखड़ा, चंदा सा मुखड़ा नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, तेरे भरोसे है मेरी गाड़ी, तू जाने है तेरो काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। गाड़ी अंजार शहर पहुंच गई, शहर के बाहर खड़ी है, अचानक नरसी को भजन सुनाई देने बंद हुए, आंखें खोली तो देखते क्या है, गाड़ी खड़ी है, गाड़ी अंजार शहर के बाहर खड़ी है और हाकड़ियां गायब है। नरसी समझ गए, बेटी से कहने लगे, बेटी घबरा मत, यही होगा, यहां तक आया था क्योंकि सांवरियो है म्हारो सुख दुख को साथी, सांवरियो है म्हारो सुख दुख को साथे, टूटी जद गाड़ी आयो बन करके खाती, टूटी जद गाड़ी आयो बन करके खाते, रे आवे मौके पे आडो जो कोई अपनो हो खास आवे, मौके पे आडो जो कोई अपनो हो खास, सावल भी रो लसी माए रो, हो भाई तेरो सावल भी रो लसी माए रो। नरसी ने बहुत समझाया कि बेटी घबरा मत, आएगा, तमाम प्रकार के उदाहरण दिए, लेकिन नानी का भरोसा टूट गया। कब नानी हिम्मत हार बैठी, कब, जब नानी बाई ने देखा कि उसके ससुराल वालों ने अपने रिश्तेदारों को तो महल और हवेलियों में टिकाया, लेकिन उस गरीब बेटी के बाप को जहां गाय बैल बांधे जाते हैं उस तबेले में जगह मिली, बाबुल को तबेले में बैठा देख नानी रो पड़ी। और नानी का भरोसा उस वक्त और टूट गया जब नानी ने देखा उसके ससुराल वालों ने अपने रिश्तेदारों के लिए तो महल में टिकाकर मेवे पकवान मिठाइयां भिजाई खाने को, लेकिन उसके गरीब बाबुल के लिए शादी ब्याह के घर की जूठन इकट्ठी करके भेजी गई, बाबा के लिए जूठन गई है। नरसी ने थाली सरका दी कि मैं तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीऊंगा, लेकिन नरसी के साथियों ने भी जूठन खाई नहीं, खाना वापस भेज दिया। नानी का धीरज टूट गया,
नानी के पीहर के लोग नरसी तबेले में थोड़ी सी जगह साफ करके लड्डू गोपाल की मूर्ति लेकर बैठे हैं। नरसी भगवत भजन में लीन हुए लेकिन नरसी के साथी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाए, गांव में भिक्षा मांगी जा रही है। बिहार के लोगों को भीख मांगता देख नानी का कलेजा छलनी हो गया। नानी ने आत्महत्या का इरादा कर दिया। लोक कथा कहती है, सरवरिये कह तीर खड़ी, सरवरिये कह तीर खड़ी, यो नानी नीर बहावे है। माँ का जाया वीर बिना कुण भात भरन ने आवे है। एक दिन म्हारो भोलो बाबुल अरब पति कहलायो थो, अनधन रा भंडार घनेरा छोर नहीं कोई पायो थो। अनगिनती के नौकर चाकर याद मने जद आवे है। सरवरिये कह तीर खड़ी यो नानी नीर बहावे है, सरवरिये कह तीर खड़ी यो नानी नीर बहावे है। इधर नानी आत्महत्या के लिए खड़ी है, नरसी ने तबेले में थोड़ी सी जगह साफ कर रखी है, लड्डू गोपाल सामने है, नरसी भजन में लीन है, कह रहे हैं, ओ जी ओ मी जा जी मारा सावरिया, ओ जी ओ मी जा जी मारा सावरिया, ओ जी ओ गिरधारी नटवर नागरिया, ओ जी ओ गिरधारी नटवर नागरिया। मारी नानी मारी नानी मारी नानी बाई रो भात भरन ने आवो जी सांब, मारी नानी बाई रो भात भरन ने आओ जी सांबरा। नरसी मेहता ने थारो, नरसी मेहता ने थारो आसरा, नरसी मेहता ने थारो सगा में लाज बचावन आवो जी सांवरा, हर बीच सगा में लाज बचावन आओ जी सांवरा। दीनानाथ दयालु थारो, दीनानाथ दयालु थारो नाम है, दीनानाथ दयालु थारो नाम है, भगतारी लाज बचावन आवो जी सांवरा, भगतारी लाज बचावन थे तो आओ जी सांवरा। थारे ही भरोसे आयो सांवरिया, थारे ही भरोसे आयो सांवरिया, थारी नानी बाई ने, थारी नानी बाई ने चुनर उड़ापा आवो जी सांवरा, थारी नानी बाई ने चुनर उड़ावा आओ जी सांवरा। नानी बाई आत्महत्या के लिए खड़ी है, 10 मिनट का समय और लूंगा, बस समय कम है। नानी बाई आत्महत्या के लिए खड़ी है, तबेले में नरसी अर्जी लगा रहे हैं कि भात भरन आ जाओ, कुछ मत लाना, सिर्फ आ जाओगे ना तो भी मैं समझ लूंगा कि तुमने भक्तों की लाज रखी। नरसी की कन्नू पुकार मेरे मोर मुकुट बंसी वाले के कानों तक पहुंची है। आत्महत्या के इरादे से खड़ी नानी अचानक अचानक निगाह पड़ी है रस्ते में, घर के भीतर आने वाले रस्ते पर, गांव के भीतर आने वाले रस्ते पर निगाह पड़ी। देखती क्या है कि बैलगाड़ियों पर बैलगाड़ियां आ रही हैं, नई बैलगाड़ियां सामान लदा हुआ है। नानी ने सोचा कौन आ गया, आज तक इतनी बैलगाड़ियां गांव में दिखी नहीं, लगता है मेरे बाबा की बात सच हो गई।
नानी ने थोड़ी देर के लिए आत्महत्या का इरादा टाला। गांव के भीतर पहुंची, किसी गांव वाले से पूछा, बाबा 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 कौन आया है, ये बैलगाड़ियां किसकी हैं? गांव वाले ने कहा, बेटी एक बहुत बड़ा सेठ आया है, अपना नाम समरिया सेठ कहता है। बोल समरिया सेठ की जय। अकेला नहीं है, गांव वाले ने कहा, नाम समलिया सेठ बतलाता है, अकेला नहीं है, बड़ी सुंदर दो सेठानियां साथ में हैं, बड़ी सुंदर दो सेठानियां हैं। लेकिन एक बात बड़ी अजीब सी कर रहा था, इतना बड़ा सेठ, दो सुंदर सेठानियां साथ में, लेकिन मुझसे कहता था, मैं तो नरसी का पुराना नौकर हूं, मैं तो नरसी का पुराना नौकर हूं, मुनीम हूं। किसी जमाने में नरसी सेठ के बही खाते लिखा करता था, उस जमाने में मेरे सेठ की एक हुंडी मुझ पर बकाया रह गई थी, आज उसी हुंडी की रकम के बदले भात का सामान लाया हूं, क्योंकि मेरे सेठ की बेटी के घर बेटी का ब्याह है। मैंने कहा ना, ठाकुर की नम्रता देखो, क्या से क्या बन जाते हैं, हमारी आंखें होनी चाहिए देखने वाली। कहने लगे, मैं तो नरसी का नौकर हूं। गांव वाले ने कहा, बेटी मैंने तुरंत उसे तुम्हारे पिता के पास भेज दिया तबेले में। इस दृश्य की कल्पना करना, कन्हैया तबेले में पहुंचे हैं, जहां नरसी भगवत भजन में लीन है, भरोसा टूटा नहीं है। कन्हैया तबेले में पहुंचे हैं और तबेले का दृश्य देख के मुरली वाला हैरान है कि नरसी भी अभी पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं, सेठ बड़े तुम सांवरा, सेठ बड़े तुम सांवरा, मैं निर्धन कंगा, सेठ बड़े तुम सांवरा, मैं निर्धन कंगा, जोड़ी हमारी तुम्हारी बन के रहेगी मिसाल, हो बन के रहेगी मिसाल, सेठ बड़े तुम सांवरा, मैं निर्धन कंगा, सेठ बड़े तुम सांवरा, मैं निर्धन कंगा। मेरा कन्हैया रो पड़ा, ठाकुर रो पड़े। क्यों रोया मुरली वाला, क्यों रोया कन्हैया? क्योंकि यह मुलाकात भगत और भगवान की नहीं है, यह मुलाकात एक बाप और बेटे की मुलाकात है, जिस रिश्ते को नरसी ने जोड़ा पूरी ईमानदारी के साथ निभाने ठाकुर आया। और अपने पिता की हालत देखी तो बेटे की आंख में आंसू लाजमी थे, रो पड़े कन्हैया जब हाथ जोड़कर नरसी ने कहा, सेठ बड़े तुम सांवरा, मैं निर्धन कंगाल, जोड़ी हमारी तुम्हारी बन के रहेगी मिसाल। कन्हैया रो पड़े और रोते रोते दोनों हाथ जोड़ लिए और नरसी से बोले, बाबा मैं आ गया, बाबा मैं आ गया। बाबा शब्द नरसी के कानों में पड़े, एक बेटे की आवाज सुनाई दी, लेकिन विलंब से आया है, बेटी आत्महत्या के लिए चली गई थी। नरसी अपने पिता के अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, एक पिता का अधिकार, एक पिता का क्रोध उस समय बहुत बढ़ जाता है जब बेटा अपनी बहन के साथ अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता। वो पिता कहता है,
कि संपत्ति का एक हिस्सा उसका भी होता है, तेरे लिए छोड़ के गई और तू इसके प्रति अपनी जिम्मेदारियों से भी दूर भागता है। जा, एक हिस्सा उसे लिख के जाओ। लेकिन यहां हिस्से की बात नहीं थी, यहां तो प्रेम था। कह दिया, कान्हा आए तेरी से आए, कन्हैया ने कहा बाबा आ गया, नरसी ने कहा कान्हा आए तेरी से आए, तेरी से आए तो काहे को आए, देख देख बिन मां की बेटी बड़ी लजाई, ये मरने गई थी, ये मरने गई थी मर भी ना पाई, जा कन्हैया जा, जा उठा के ले जा तू अपनी गठरी, अब तेरी मेरी खाए ना पटरी। कन्हैया सुनते रहे सर को झुकाए, तेरी से आने का कारण बताए। कल्पना कर लेना, तीन लोगों का मालिक सफाई देने पर आ गया है कि बाबा विलंब नहीं हुआ, आपको गांव के बाहर छोड़ा, भामा रुकमणी को लेने चला गया था। कितना प्यारा सा बहाना कि भामा रुकमणी को लेने चला गया था। ये कहती थी ननद के घर सुख दुख हो, भाभियां ना पहुंचे अच्छी बात नहीं होती। हो बेटी सुनिएगा, हो बेटी, हो बेटी विधि को तो याही है विधान, हो बेटी विधि को तो याही है विधान, थन जानो पड़सी सासरी, हो बेटी विधि को तो याही है विधान, थन जानो पड़सी सासरी, हो बेटी पीहर में होवे जी मेहमान, थन जानो पड़सी सासरिये, हो बेटी पीहर में होवे जी मेहमान, थन जानो पड़सी सासरिये। बेटियां बैठी हैं, माए बैठी हैं, पीहर थारी जन्म भूम है, कर्म भूम सासरियो, पीहर थारी जन्म भूमि है, कर्म भूमि सासरियो, पीहर थारी जन्म भूमि है, कर्म भूमि सासरियो, बात मायड़ की ध्यान राखिजे, सोच समझ पग धरियो, बात मायड़ की ध्यान राखिजे, सोच समझ पग धरियो, ओ बेटी पीहर को, ओ बेटी बाबुल को खूब पढ़ई जो मान, थन जानो पड़सी सासरी, ओ बेटी पीहर को खूब पढ़ई जो मान, थन जानो पड़सी सासरिये। ऐसी होती हैं बेटियां, बेटी देवी का चित्र होती है, वो पूजनिया पवित्र होती है, माँ बाप जिसके चरण धोते हैं, विदा करते हैं घर से बिलख कर रोते हैं, वो जग में काम महान करते हैं, जो घर से कन्या का दान करते हैं। आज नानी ने बेटी का फर्ज निभाया, नरसी कन्हैया को डांटने लगे, नानी ने सामने आकर हाथ जोड़ लिए पिता के आगे, कान्हा और भाभियों को पीछे छिपा लिया, कहने लगी बाबा मेरा भैया किसके घर आया? नरसी बोले तेरे। तो नानी ने कहा जब मेरे घर आया और देरी से आया और पहली बार आया तो झगड़ा तो भाई बहन को करना चाहिए, आप बीच में मत बोलो, चलो ना बाबा भात का मुहूर्त बीत जाएगा, मैंने सारी उम्र तानों में गुजारी है, मेरा भाई नहीं आज मेरा भाई आया है, ऐसा ना हो भात का मुहूर्त बीत जाए,
चलो चलो चले, घर का झगड़ा बाद में निपटा लेंगे। कल्पना करना प्रेमियों, जिस नानी के कोई भाई नहीं, मेरा मोर मुकुट बंसी वाला भाई बन के आया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उस जमाने में 56 करोड़ के हीरे मोती ठाकुर लाया भात भरने को। मायरे की चुनरी भामा रुक्मण जैसी भाभियों के हाथ में, आगे नानी पीछे भात भरने वाले। नानी गांव वालों से कहती, गांव वालों देख लो, ताने मारते थे मेरा भात कौन लाएगा, आज देखो कौन आया है। आयो आयो रे धर्म को भाई, मेरो आयो रे धर्म को भाई, मेरो आयो रे धर्म को भाई, आज आयो रे धर्म को भाई। आज नाचे नानी भाई, आज नाचे नानी भाई, आज झूमे नानी भाई, आज झूमे नानी भाई, मेरो आयो रे धर्म को भाई, मेरो आयो रे धर्म को भाई। वाले नानी के दरवाजे कोई स्वागत को नहीं खड़ा, बेटी का बाप आए स्वागत कौन करे, गरीब हो तो और बुरी बात। ऐसा ही है ना हमारा समाज कि एक तो बेटी का बाप, ऊपर से गरीब, छोड़ो कैसे हैं हम। आज नानी के दरवाजे कोई स्वागत को नहीं खड़ा, किसी रिश्तेदार को कल आई अंदर ले आओ, रीति रिवाज पूरे करवाने हैं ना, रीति रिवाज पूरे कराओ, भगाओ इसे। वो रिश्तेदार दरवाजे पर पहुंचा है, कन्हैया ने 10 मिनट लगाओ पूरा करो। कन्हैया ने देखा कोई आ रहा है, मेरे मुरली वाले ने आगे बढ़कर के मिलनी करी है, मिलाई हो रही है। 4 सोने की गिन्नियां हाथ में रख दी मिलनी के बदले। रिश्तेदार ने कहा, वाह उम्मीद से बहुत ज्यादा चर्चा हो गई, चलो चलो मिलाई अच्छी मिल रही है। मामा जी ने खाने का पत्तल वैसे ही छोड़ दिया कि मिलनी करा लो पहले, रकम चली ना जाए। फूफा जी भी भाग खड़े हुए, आ जाओ फटाफट, मिलनी में कुछ रह ना जाए। और तो और रिश्तेदारों की संख्या खूब बढ़ गई। शाम हो गई मिलनी करते करते, चौकीदार भी रिश्तेदार बन के खड़ा हुआ, मेरी भी मिलनी करो क्योंकि रकम अच्छी मिल रही थी। मेरे मुरली वाले ने सोचा कब तक मिलनी होगी, शाम हो गई। कन्हैया ने लक्ष्मी को आदेश दिया, हे लक्ष्मी अब से लेकर अगले 8 पहर तक अंजार शहर के लोग जो कुछ मांगे इनको दे दो, सिर्फ नानी के रिश्तेदारों को नहीं सबको, पूरे गांव ने 8 पहर जो कुछ मांगा पाया। ऐसा भात ना भरा गया ना भरा जाएगा। 56 करोड़ के हीरे मोती लुटाए गए, मायरे की चुनरी भामा रुक्मण जैसी भाभियों ने उठाई है। इसीलिए गाता हूं, इसीलिए कहता हूं, नानी बाई से श्रद्धा नरसी सी भक्ति, नानी बाई से श्रद्धा नरसी सी भक्ति, करके थे देखो मिलसी चिंता से मुक्ति, करते थे देखो मिलसी चिंता से मुक्ति, हो बिनु पक्को है जीने सांवरिया पे विश्वास, बिनु पक्को है जीने सांवरिया पे विश्वास, सांवल वीरो लासी मायरो